खैर बस जैसे तैसे भी नींद में उठ के चले गए, इससे मैं सुबह कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी अपनी ही आंखें नहीं खुल रही थी। और मुझे समझ में नहीं आता कि रश क्यों है, मुझे सडनली याद आया यार ईद की शॉपिंग कर रहे हैं लोग। मतलब आई टोटली फॉरगॉट भाई नेक्स्ट वीक ईद है। हाँ सही है, कितने का ये? हाँ अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई आज है सैटरडे, सही है, और घर वाले जो हैं वो मुझे सुबह सुबह नींद से उठा के लेके चले गए आई चेकअप के लिए। भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि आई में इन्फेक्शन था, तो हम लोग 2 वीक्स बिफोर भी हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। सो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था तो हम लोग वापस आ गए थे। सो आज हम लोग दोबारा गए और अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप वगैरह हो गया, और बस ये कि डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रही है एक ज़माने में, जिसकी वजह से ये कि आपकी आँखों पर उसका इफेक्ट हुआ है ड्राइनेस का, तो ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है बार बार। तो उन्होंने मुझे जो है वो मेडिसिन दी है, तो उन्होंने कहा है कि आप 2 वीक्स यूज़ करें, उसके बाद फिर दोबारा से चेक करवाएं, देखते हैं कि आप इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। सो अभी जो है बस वो नाश्ता वगैरह करके फारिग हुए, तो मैंने कहा चले आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। सो भाई आज ज़रा सैटरडे है और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाला है, सो देखते हैं आज की क्या रूटीन बनती है और आज हम लोग क्या क्या करते हैं, तो उसके साथ साथ ही आपको अपडेट करती रहूँगी। सो भाई ये वाली मेडिसिन दी है मुझे डॉक्टर ने, और उन्होंने कहा है कि एक एक ड्रॉप डालना है आपने दिन में 3 मरतबा। सो ये वाले ड्रॉप्स यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कितना इफेक्ट आता है। सो भाई आज हमारे यहाँ बन रही है भिंडी लंच में, और अम्मी ने इसकी कटिंग भी स्टार्ट कर दी है, और अभी 12:15 हुए आज हमारे घर में लंच की इतनी जल्दी तैयारी स्टार्ट हो गई। क्यों अम्मी हमें कहीं जाना है या आज इतनी अर्जेंट ऐसा लग रहा है? मुझे गाँव वगैरह में नहीं होता पंजाब में, वहाँ पे तो लोग 12 बजे खाना वाना भी चढ़ा के फारिग हो चुके होते हैं ना अम्मी। हमारा तो फिर अभी 12 बजे तो सब फारिग हो चुके हैं, खाना वाना पक के फारिग। और क्या, आज नाश्ता भी ज़रा जल्दी हो गया। हाँ छुट्टी का दिन है और जल्दी नाश्ता हो गया आज। आज बहुत सारे काम हो गए। आज अम्मी इसलिए बोले बहुत सारे काम हो गए, एक तो सबसे बड़ा काम हमारा जो आई चेकअप का था ना वो आज हम करके आ गए, तो अम्मी को बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रही है क्योंकि पहले भी आपने बड़े फॉर होकर आए थे ना। सो आज अम्मी फुली प्रिपेयर गई, अम्मी ने सही अपनी इंसुलिन वगैरह भी लगा के गई प्रॉपर, लेकिन अम्मी ने एक मिस्टेक कर दी कि अम्मी ने सही से नाश्ता नहीं किया, तो अम्मी की तबीयत जो है वो थोड़ी सी डाउन होने लगी थी। तो देन फिर हम लोगों ने ज़्यादा नाश्ता किया, थोड़ा हैवी सही है, ज़रा जान वान आई, तो फिर भी अभी अम्मी थोड़ा सा अप जाके फील कर रही है बेटर। और अब थोड़ी देर पहले गई थी कि मुझे थोड़ा सा वीकनेस सी महसूस हो रही है, तो मैंने कहा अम्मी आपने कह रही थी ये कि आपने इंसुलिन लगा दी लेकिन आपने जो है वो नाश्ता सही से नहीं किया, इस वजह से थोड़ा सा आपको लो फील हो रहा है, तो अब अम्मी बेहतर है काफ़ी। सो भाई हमारी पैरेलल वर्किंग चल रही है सही, उधर भिंडियाँ कट रही हैं और इधर प्याज जो है हमने ब्राउन करने के लिए चढ़ा दिए हैं, सही है। मुझे तो बहुत ही कोई शदीद किस्म की नींद आ रही है आज, मैं सुबह उठने का दिल ही नहीं कर रहा। अम्मी ने मुझे कहा चलो तुमने नहीं जाना कि, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा उठने का। अम्मी ने कहा भाई जाना नहीं है क्या, चेक तो करवानी है ना। तो खैर बस जैसे तैसे भी नींद में उठ के चले गए, इससे मैं सुबह कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी अपनी ही आँखें नहीं खुल रही थी। सो बस अभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन खैर आप सोने का टाइम तो है नहीं। चले भाई गाइस भिंडियाँ हमारी पक चुकी हैं और करने लगे लंच, साथ में अगर होती तंदूर की रोटी तो मज़ा डबल हो जाता, लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, फटाफट से करते हैं लंच फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। सो गाइस हम लोग आज काफ़ी दिनों के बाद मार्केट आए हैं, सही है, मैं बाजी और ज्वेलरी हम लोग काफ़ी दिनों के बाद हम लोग निकले साथ। सो आज जो है बेसिकली हम लोग आए हैं डिफेंस की तरफ, और यहाँ पे गोल्ड मार्केट है, सही है, मार्केट ये मॉल है, और वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कपड़ों वगैरह की वैरायटी होती है, मतलब अनस्टिच, सही है, और यहाँ पे आपको ज़्यादातर रेगुलर वेयर जो होता है वो, और शादियों वाला फैंसी स्टफ भी होता है, लेकिन खैर हम लोग थोड़ा सा कैजुअल स्टफ की तरफ जाएंगे। मुझे बेसिकली जो है वो अपने कुछ शर्ट्स वगैरह के स्टोल्स वगैरह भी लेने थे, तो मैंने कहा अगर हम लोग जा ही रहे हैं तो चलो आज लगे हाथ मैं ये भी ले लूँ, क्योंकि काफ़ी मेरी शर्ट्स जो है वो ऐसी पड़ी हुई हैं क्योंकि उनके मैचिंग स्टफ नहीं है साथ, तो मैंने कहा चलो आज ये भी ज़रा हाथ के हाथ ले लेते हैं, ठीक है ना। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और बस वो देख रहे हैं आप लोग सामने गोल्ड मार्क 2, सही है। सो ये मॉल का नाम है और यहाँ हम लोग आ रहे हैं, तो बस चलते हैं भी अंदर। सो भाई फाइनली अंदर आके बैठ गए, थोड़ा धूप से बच लो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, और ये पूरी आप देख रहे हैं शॉप, ठीक है, सारी पठान वैरायटी है, ठीक है, और यहाँ पे इनके पास सारे हर तरह की लॉन और बेतहाशा प्रिंट्स के आप चूज़ ही करना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाए, इतने प्रिंट्स हैं। सो भाई बाजी यहाँ पे बेसिकली अपने जो है बाजी को कुछ मैचिंग की ट्राउजर्स वगैरह कुछ शर्ट्स वगैरह ले रही थी, और ये बाजी जो है अपनी निकालवा रही है, होपफुली बाजी को कुछ परफेक्ट मैचिंग मिल जाए यहाँ पे। सो बस इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे स्पेशली इस वाले मार्केट में आए, इस वाले मॉल में आए, ताकि यहाँ पे आपको एक अच्छी वाइड वैरायटी मिलती है।
तो ज़रा इजी हो जाता है आपको चीज़ें लेना, वरना बाहर दूसरी जगहों पे इस तरह के कलर्स और इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई वी केम हियर और होपफुली आज बाजी को मिल जाए ऐसा ही जैसा ही। सो भाई बाजी का ये एक दुपट्टा है और इसके साथ बाजी ने जो ये तीन शेड्स लिए हैं। ये तो नहीं सही, ये वाला सही लग रहा है। चले भाई फाइनली गोइंग बैक। बहुत गर्मी है भाई, बहुत बुरी हालत हो गई कसम से। सो बस अभी ये जूस लिया ठंडा ठंडा पीते हैं। भाई बहुत शदीद गर्मी है और कोई भयंकर किस्म की गर्मी है। रश देख लिया आप लोग कितना ज़्यादा है और मुझे समझ में नहीं आता कि रश क्यों है। मुझे सडनली याद आया यार ईद की शॉपिंग कर रहे हैं लोग, मतलब आई टोटली फॉरगॉट कि भाई नेक्स्ट वीक ईद है और हम लोग तो बिल्कुल रैंडमली शॉपिंग के लिए निकले थे। हम लोग कोई ऐसा ईद की शॉपिंग का तो ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन यहाँ के आइडिया हुआ है कि भाई लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, सो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। छोड़े चलने दे से कितने का हो जाएगा आप बताओ। हाँ सही है, कितने का ये? हाँ कितने? भाई तुम बढ़ गए, तुम तो 40 से 50 पे आ गए हो। वो कितने का है? नहीं नहीं तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये वही चीज़ तो है, क्या फर्क है? तो भाई हम लोग गुजर रहे थे तो रास्ते से हम लोगों ने बकरे देखे, बाजी का क्यों ना जरा पता तो किया जाए कि क्या रेट्स चल रहे हैं। भाई रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं ये लोग। अच्छा नॉर्मल से नॉर्मल बकरा भी ये लोग बोल रहे हैं 40 से 50 हज़ार का, मतलब एक्सट्रीमली हाई है यार। अच्छा एक बकरा मैंने कहा चलो देखते हैं क्या बोलेगा, 50 बोल देगा, वो बोल रहे हैं 90 हज़ार। डिपेंड ऑन द लोकेशन यार, मतलब नहीं बकरा ठीक है खूबसूरत था, मतलब ये कि ज़रा सा प्यारा जानवर है ना तो उसके रेट्स ही हाई है। सो बस अभी तो ज़रा सा ऐसे ही देखा है, नेक्स्ट देखते हैं जाएंगे प्रॉपर तरीके से जब, तो फिर क्या रेट्स मिलते हैं और क्या मिलता है। सो एक अलग ही उसकी देख वाला अलग ही ब्लॉग बनाएंगे उसके लिए, सही है। सो भाई हम यहाँ आए सियालकोट मिल्क सेंटर और इनका पकोला मिल्क ना ट्राई करें ऐसे कैसे हो सकता है। सो लेट्स हैव इट। यार ये इतना ठंडा होता है ना, जाके दिल को लगता है कसम से। बाजू को देखिए कैसे पी रही है बच्चों की तरह। डाइट डाइट पे इतना अलाउ है ये, इतना सारा दूध अलाउ है। आज फाइनली बैक होम और भाई बाजी की तो सारी मैचिंग मिल गई लेकिन मेरा कोई भी स्कार्फ नहीं मिला भाई, कोई कलर ही नहीं मिला मैचिंग का। सो मेरा मामला तो वहीं का वहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाजी का काम पूरा हो गया। सो बस अभी खा रहा है, थोड़ी देर में बस अब होने वाली है मगरिब और उनकी नमाज वगैरह पढ़ते हैं, दैन पर आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है गाइज। जी गाइस, सो भाई सारे काम कर आके हो चुके हैं फारिग। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कनेक्ट कर लिया जाए। सो भाई ये था आज का हमारा पूरा दिन जो कि शदीद बिजी गुजरा, सही है, और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग भी गुजरा। सो भाई आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पे करने लगी हूँ एंड उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, सही है। सो गाइस इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, I love this.